यूं तो साल 2023 का आज आखिरी दिन है, लेकिन सियासत में हर दिन एक नया दिन होता है और कभी कुछ नया गुल कभी किसी वक्त खिल जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिहार में हाल के दिनों में सियासी हलचल के बीच आज विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, विधि मंत्री शमीम अहमद और पूर्व मंत्री श्याम बिहारी प्रसाद ने राबड़ी देवी के आवास जाकर लालू प्रसाद से मुलाकात की। हालांकि मुलाकात बहुत ज्यादा देर तक नहीं चली, लेकिन सियासत के हिसाब से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है और मुलाकात के कई मायने तक निकाले जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। बिहार में भले ही मौसम का मिजाज ठंडा पड़ा हो, लेकिन सियासी तापमान जो है वो लगातार गिरता और चढ़ता जा रहा है। बताते चले कि लालू प्रसाद यादव के से मिलने जो है अवध बिहारी चौधरी, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो पहुंचे थे राबड़ी देवी के आवास और उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की। और इनके साथ साथ अगर बताएं तो विधि विभाग के जो मंत्री हैं शमीम अहमद, वो भी राबड़ी देवी के आवास पहुंचे और लालू प्रसाद यादव के साथ उन्होंने मुलाकात की है। और तीसरी मुलाकात जो है वो पूर्व मंत्री जेडीयू के हैं श्याम बिहारी प्रसाद, और ये भी लालू प्रसाद यादव से मिलने उसी समय पहुँचे जब अवध बिहारी चौधरी और शमीम अहमद जो हैं वो पहुँचे थे। और इन तीनों की मुलाकात जो है वो एक एक करके लालू प्रसाद यादव से हुई है। बताते चलें कि बिहार में जो अटकलों का बाजार जो है वो काफ़ी गर्म है। सियासी कहते हैं जो सरकार स्तर पे बड़ा खेल की तस्वीर सामने देखने को मिल सकती है, ये बातें जो है राजनीतिक गलियारे में चर्चा इस बात की हो रही है। हालांकि क्या कुछ होगा ये तो समय तय करेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं, किंग मेकर माने जाते हैं। और इस बीच बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी का लालू प्रसाद यादव से मिलना कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने का संकेत जो है उसको गहरा रहा है। बताते ये भी चले कि कल पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का जन्मदिन भी है, तो ऐसे में एक बातें ये भी कही जा रही है खबरों से ध्यान हटाने के लिए कि राबड़ी देवी का जन्मदिन है तो उसमें क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर के ये तमाम जो नेता हैं वो लालू प्रसाद यादव से मिलने आए थे। हालांकि अंदर खाने की बात क्या है वो तो समय के साथ सामने आएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अवध बिहारी चौधरी जो हैं वो RJD के नेता हैं और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, कानून मंत्री भी समीम मोहम्मद उसी समय पहुंचे, तो कहीं ना कहीं जो सियासी जो ताना बाना है वो और गहराता जा रहा है। और अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले जो कुछ दिन हैं उसमें बिहार की सियासत जो है वो किस करवट बैठती है, लालू कौन सा पासा फेंकते हैं और उस पासे का इस्तेमाल कहां होता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।